सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम मेंसुरेशन कर रहे थे और मेंसुरेशन में टू डायमेंशन से मैंने आयत करवाया है। आयत के जितने फार्मूले बनते थे वो सारे फार्मूले मैंने आपको करवाए हैं और उसके बाद मैंने 8 से 10 एग्जांपल उन फार्मूलों पर आधारित करवाए हैं। अब हम करेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग के जितने फार्मूले होंगे मैं सारे के सारे यहाँ पर मैं करवाऊंगा। इनको नोटबुक में आप नोट कर सकते हो। इसके बाद में वर्ग से रिलेटेड इन फार्मूलों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे 8 से 10 एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ग स्क्वायर, प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल डी से डिनोट करते हैं। ये मैं यहां पर एक वृत्त बना देता हूं। प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है ये, और इसके जो डायगोनल है आपस में बराबर होते हैं विकर्ण। ये विकर्ण है ए बी सी और डी, यानी कि ए सी इज इक्वल टू किसके है बी और डी के। ये डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। यहां पर ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का स्क्वेयर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और यहां पर मान लेते हैं इसकी भुजा है 2 मीटर इसकी भुजा है, तो इसका अगर हमने एरिया निकालना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यानी कि क्या आ जाएगा, वर्ग का अक्षेत्रफल। अगर भुजा नहीं दे रखी हो और डायगोनल दे रखा हो, मान लेते हैं इसका डायगोनल 5 दे रखा है या 10 दे रखा है, अगर इसका डायगोनल 10 दे देता है और पूछ लेता है एरिया बताओ, तो हम डायगोनल से भी एरिया निकाल सकते हैं। विकर्ण कितना है 10 और 10 का स्क्वायर करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा 50। तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग का अक्षेत्रफल। हम विकर्ण से भी निकाल सकते हैं और भुजा से भी निकाल सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं, √2a, a का मतलब होता है भुजा, तो √2 × a कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग का डायगोनल, यानी कि आ जाएगा वर्ग का विकर्ण। इसकी लंबाई भी हमें कभी कभी क्वेश्चन में निकालनी पड़ जाती है। वर्ग के अंदर बने रास्ते का अक्षेत्रफल, जैसे हमने आयत के निकाले थे, आयत के अंदर बने रास्ते का अक्षेत्रफल निकाला था, इसी प्रकार वर्ग के अंदर बने रास्ते का अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 4d × x − d। डी का मतलब है रास्ते की चौड़ाई आपको मिलेगी और x का मतलब है वर्ग की लंबाई, वर्ग की कोई भी एक भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। x का मतलब वर्ग की भुजा है और d का मतलब रास्ते की चौड़ाई। वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पर माइनस था तो सिर्फ प्लस कर देंगे, बाहर बने रास्ते में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा, सेम फार्मूला रहेगा आपका। वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, अगर ये कोई यहाँ पर ये वर्ग है और इस वर्ग के बीचों बीच अगर कोई रास्ता बना दिया जाता है इस तरीके से, और इसका एरिया पूछ लिया जाता है, इसका छायांकित भाग का एरिया निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, डी यानी कि रास्ते की चौड़ाई है, 2 × x, x क्या है यहाँ पर, वर्ग की लंबाई यानी कि वर्ग की कोई भी एक भुजा, और माइनस में करेंगे डी रास्ते की चौड़ाई। इससे क्या आ जाएगा, वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का ये क्षेत्रफल है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। ये एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त, एक सर्कल ड्रा कर दिया जाता है, यहां से यहां तक ये आर जो होती है ये भुजा का आधा होती है, क्योंकि ये पूरी भुजा कितनी है, ये तो ए होगी और ये क्या हो जाएगी, जो आर है ये इसका आधा, भुजा का आधा हो जाएगी। वर्ग के बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। ये एक वर्ग स्क्वायर है और इसके बाहर ये ड्रा कर दिया जाता है सर्कल, तब यहां से हम आर कैसे निकाल सकते हैं, ये आर त्रिज्या, ये निकालेंगे भुजा अपॉन √2। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यदि वर्ग की भुजा को एक्स गुणा बढ़ा दिया जाए तब वर्ग का जो अक्षेत्रफल है वो एक्स स्क्वायर गुणा हो जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा जाता है, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुणा कर दिया जाता है तो एरिया बताओ उसका कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा कर दिया जाए, भुजा अगर 2 गुणा करी है तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि एरिया उसका कितना हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल है, देखो ये एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक सर्कल ड्रा कर दिया जाता है, सर्कल ड्रा करने के बाद जो ये बचा हुआ एरिया है, ये छायांकित भाग इसको बोलते हैं, ये वाला, ये इसी प्रकार ये एक वर्ग है और इसके अंदर ये छायांकित भाग है, इनका एरिया, इसका अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं छायांकित भाग का, 3/14 × भुजा का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला रहे, इसको याद कर लेना, ये मैंने 2 आकृति यहां पर बताई है।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 3/14 इंटू ए का स्क्वायर। ये आपके जितने भी थे 10 पॉइंट बनते थे वर्ग के, दसों के दसों मैंने आपको बता दिए हैं, एक अच्छे तरीके से नोटबुक में नोट कर लेना। और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे तो एक बार अगर आपने फार्मूले अच्छे से याद कर लिए तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं वर्ग से रिलेटेड और इन फार्मूलों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।